ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਉਹ ਬੜਾ ਟਾਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਬਣਾਏ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਛਪਿਆ ਦਾ ਹਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਆਖੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸਹਿ ਜਾਂ ਰੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਲ ਦਾ ਜਰਾਈ ਪੀਲੀ ਦਾਲ ਛੋਲੇ ਦਾਲ ਹਸ ਡੋਗਰਿਆਂ ਹੱਖ ਨੇ ਆਸ਼ਾਨੇ ਕੰਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਿਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਆ दो मिनट कड़ी करप्शन है कोई है नहीं बेशरम इन्ने लोग ना कि मैं कार्टून आएगा करदा नहीं नमस्ते कार्टून जिसे दिखदे गए भावे सड़े दा मुंह की ना होए चढ़े दा बंदे दा ओ तां भी बंदे दा जेड़ा खिड़ी खिड़ी हसन लगी पौंदा बंदा ते कार्टून बनाने वाले भी उन्ने के जड़े होंदे ना असी मजाकिया बंदे होंदे ना तां गे इन्नी उंदी क्रिएटिविटी जड़ी है निखरी आंदी है अज बकलोल टीवी च मैं ले आई दी एक ऐसे शख्स की एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसे जिनकी तुस सारे के जानते भी होने बंटी कार्टूनिस्ट ना करने ना इंदा चंद्रशेखर ते कैरिकेचर भी बनांदे ते कन्ने कार्टूनिस्ट भी हैं ते आओ इंदे कन्ने मलाटी तुंदी मैं करानी आ पहले ते तुंदा इरखी स्वागत है साडे चैनल च बकलोल टीवी दा मैं बड़ा बड़ा थैंक यू करना और बड़ा अच्छा चैनल चला दा आने वाले टाइम च भी लगदा कि सारे सिर्फ बकलोल गा होना इत्थै ओ ते आने वाला टाइम गै दसग पर मैं तुंदे कोला पहले ये पूछना चाहगी कि भाई कार्टून के हुंदा है कि के मते सारे लोग कंफ्यूज होंदे ने कि इलस्ट्रेशंस के न कैरिकेचर के है कार्टून के है ते लोग बड़े ज्यादा कंफ्यूज होई जांदे ने ते इन तिने च के डिफरेंस है जम्मू च पहली बारी है ना बड़े मेरे ख्याल चीज है नहीं है कार्टून्स कैरिकेचर इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन ते एक खासकर अच्छा कि तुसे क्वेश्चन पुट कीता कि इलस्ट्रेशन व्हेन वी इलस्ट्रेट जले अस पूरी कहानी सुनाने हैं पूरी स्टोरी सुनाने हैं जिसी उसी इलस्ट्रेट करी दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन कार्टून्स होए कुसे दा भी अस कोई भी चीज अस एक चीज बनाई है ते रखे ने मतलब एक कॉमेडी तौर पर जियां अस गलियां दिख रहे हैं यहाँ पर केवल गधे पेशाब कर रहे हैं गधा बनाइए तो कुछ ये कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं कार्ड कार्टून आ रहे हैं या कुछ भी या कोई भी चीज़ की अस कर सकते हैं कार्टून मतलब एक मजाक लेना वो फेस की चेंज करिए तो वो कार्टून आखने कुछ भी चीज़ का कैरिकेचर एक नवा वर्ड है साढ़े जम्मू वास्तै जम्मू वास्तै के काफ़ी लोग सुने रहे कैरिकेचर जो थोड़ा फेस है जो थोड़े फेस की मैं एक फनी वे मैंने बनाना बड़े फनी वे कन्नै जो तुम ये कर रहे हैं हंसते हैं ना इं करिए ये कर रहे तो उसी चीज़ की ऑब्जर्व करना एक कैरिकेचर आर्टिस्ट होंगे कि उसलै ऑब्जर्व करता कि वो है की है वो फीचर्स के जिसे हाईलाइट करिए लगे उगे तो उसी दिखिए थोड़ा मन करा थोड़ा आदमी थोड़ा समाइल पास करा उसी कैरिकेचर आखने तुसें कोई ऐसा कार्टून बनाया था कुसे बंदे दा कि भाई जरा दिखिए बाद मतलब लोगों ने बड़ी तारीफ की होगी भाई ये कैरिकेचर जरा बिल्कुल बखूबी ओदे अंदर के मिलता जुलता सारे के मिलते वो अगर मशहूर कोई होए जरा बड़ा वायरल होए नहीं कैरिकेचर तो मेरे तुसें सुना कि सारे गै वायरल होए क्योंकि कैरिकेचर बनाने कन्नै जिल्लै भी मैं कैरिकेचर बनाना ते ओह्दे बाद मी आंदा कि हुण साढ़ा कदों नंबर आवा दा कैरिकेचर एक इन्ना एक अस आखे ना इसी बनाने को पहले सोचना ज़्यादा पौंदा कि वो करैक्टर कनेहा है ओहदे है कि ओहदी फीलिंग्स केह न ओहदी फीलिंग्स ओहदे विच आण ते उसी गै अस कैरिकेचर आखने आ ते मैं आखना कि सारे गै कैरिकेचर इ'यां इक इक निक्की एग्जाम्पल दस्सां कि मी कुसै ने आखेआ कि शेखर जी कैरिकेचर बनाना मेरा मैं हाँ यार एक कैरिकेचर बनाना ऐसा कैरिकेचर बनाना मैं उत्थै गेदा हा उंदे कोल राणा साहब दे घर गेदा गेदा हा ते उ'नें कैरिकेचर हा ओह् बड़ा टाप दी चीज़ लगी ही उ'ऐ कैरिकेचर बनाए दे ओह् मैं हाँ ओह् बी मैं बनाए दा हा ते ओह् फिर मी ओह् अच्छा लग्गेआ कि अगर आखदा उ'ऐ जेहा बना तारीफ करना इस हिसाब से कोई कैरिकेचर में हुण मेरी रीसेंट एग्जीबिशन है जम्मू डोगरे आसा गै ते तैयारी च है लेकिन उ'ऐ कि सोचना बड़ा होना जिन्ना काम करना होना सोचते टाइम निकली जाता लेकिन जल्दी गै तुसें एग्जीबिशन मी सनाओ भला कि ये जेहड़े कार्टून तुस बनाने होने हो ये कोई आइडिया तुस कुत्थुआं लैने होने ज्यादातर फेसबुक उपर जेहड़ा किश चला दा होंदा उसी ऑब्जर्व करी करिए लैने होने हो ते मतलब केहड़ा टाइम ऐसा पर्टिकुलर होंदा कि तुसें लगदा हुण मैं बनाना चाहिदा ये दिक्खो मैं तुसें सनां इहदे च कोई टाइम नहीं है मेरे कोल ते मैं सोचना कि कई बारी ऐसा मन करदा कि मैं हुण रुट्टी भी नहीं खां ते इसी करी रहा कई बारी ऐसा मन करदा मैं करना नहीं है एक खासकर कार्टूनिस्ट ऐसा है आई डोंट नो आर्टिस्ट भी दे हैं लेकिन कार्टूनिस्ट ऐसा है मुझे ये चीज़ चाहिए है फ्रेश माइंड और टेंशन फ्री माइंड ओदे बाद तुसे कोई हर किसी की छोटी जी चीज़ मतलब तुसे आखो ना इं हल्का जहा कोई नींद भी आई दी कुछ नहीं तुसे टोटल जेल्लै रिलैक्स हो गया ना
शुरू को लेकिन कई लोग होंगे ना कुछ ऐसे कुछ ऐसा करते उस पॉलिटिशियन का नाम नहीं लैंग उस पॉलिटिशियन ने ना बड़ा इं कुछ बड़ा गलत करा रहा कोई कुछ ऐसी चीज़ें ऐसा ते उदा में एक दिन उदा कार्टून करिए ते मैं अखबार से दिता उन्हें फ्रंट पेज छाप पड़िया अच्छा वो फ्रंट पेज छाप पड़िया ते उदे ऐसे भी मेरा कार्टून छपया वो अंदरों अंदर खुश भी हुआ मेरा कार्टून छपया लेकिन अंदरों तो दुखी हाँ कि उदा कार्टून उदे अगेंस्ट छपे रहा हूँ आखे ना ये असह या रो है लेकिन टाइम भी नहीं है ते उसी कदे आएग नहीं है कदे उस चीज़ नहीं है हाँ जी मैं तुमसे ये भी पूछना चाहती कि तुम्हारी एग्जीबिशन जिया होंदियां तुस नेशनल लेवल च तुसें गी लोकें रिकगनाइज किए दा आर के लक्ष्मण होंदे तुस इंदे कोला बड़ा ज्यादा इंस्पायर्ड हो और भी बथेरे सारे ऐसे न कार्टूनिस्ट जेहड़े इंडिया दे बड़े नाम भी गिनामी ने उंदे च धर साहब होर न उंदे च मिरांडा साहब होर न ते उंदे कोला भी थोड़ी बहुत तुसें सिख मत लई होनी देखो तुसें धर साहब दा नाम लिया शायद इंटरव्यू च कुसे ने पहली बारी मेरे को धर साहब दा नाम पूछा हाँ जी अज भी तुम सुना कि बड़ी पुरानी गल है मैं पत्नीटॉप च एक पेंटर्स कैंप लगे रहा तो उत्थे सारे ने दर साहब के सारे ने बैठे बैठे कैरीकेचर करा रहे हाँ जी कैरीकेचर करा रहे थे मैं उसी बंदे पहली बार देखा मी यहाँ बड़ा अच्छा लगे उसकी पर्सनैलिटी मैंने खूबसूरत वो बैठे हाँ प्लीज़ बैठिए आप दो मिनट कैरीकेचर कर रहे मैं अदू बड़ी छोटी एज हाँ इन्ना अच्छा लग्या कि मैं कैरीकेचर शायद मैं ओदे बाद मैं कार्टूनिस्ट आने का बनने का मन किया हाँ लेकिन उत्थों मैं और इंस्पायर होया हाँ तो भी बड़ा अच्छा लग्या कि दर साहब साढ़े जे एंड के इंटरनेशनल कार्टूनिस्ट हे तुसें ना लिया पक्का तुसें तैयारी करी आए बिल्कुल पूछना तो बनता हूँ कुसै का भी इंटरव्यू लैना अस पूरी तैयारी करिए जाने होने तो मी दसो कि जियां मैं पूछा कि साउथ इंडिया जाने उत्थे बड़ा सारा इहो जिहा कल्चर है उत्थे लोग भी बड़े ऐसे ना प्रमोट करते हैं इहो जिही चीज़ां की पर जम्मू च मैं चीज़ बड़ी घट देखी कि कार्टूनिस्ट इन्ने है भी इन्नी हैन ना साढ़े इत्थे दे अखबारां ने जिथे असें कार्टून देखने की थोड़े क्योंकि नैशनल लैवल दी अखबारां दी अगर मैं गल करां भावें द हिंदू हो इंडियन एक्सप्रैस हो बाकी अखबारां हुण हर पासे असें कार्टून जिहड़े देखने की थोड़े कि जम्मू च और रवाज इन्नी है कि जम्मू च भी ऐसा होना चाहिए कि कार्टूनिस्ट बड़ी महंगी सब्जी होंदी ने उसे लैंदे नहीं हैं लोग जी। ते वो उस चीज की वैल्यू पता नहीं है उन्हें है के है जियां साढ़े इत्थे केड़ी चीज होंदी बड़ी कॉस्टली एक होंदी खुंबा ते एक होंदी क्या आखदे उसी मशरूम वांगर होंदी जिहड़ी वो चीज़ लोकें ओदी वैल्यू पता नहीं है लोग उसी खंदे नहीं हैन असें पता नहीं हैन कुछ भी उहे हिसाब कार्टून इस तरह साढ़े जम्मू च ते असें अगर आखे जा पहले पहले मी दुख जरूर होंदा कि मी न्यूज़पेपर वाले मी लैंदे नहीं हैन हाँ मैं कश्मीर टाइम किया डेली एक्सेलसियर भी काम किया दैनिक जागरण भी किया ग्रेटर जम्मू भी किया मतलब द न्यूज़ नाउ च भी किया सारे अखबारों च मैं काम किया लेकिन हुण मी ना मलाल नहीं है कि मैं अखबारों च कार्टून करा क्योंकि अजकल सोशल मीडिया इन्ना आई गया ऐसी चीज़ें आई गई थोड़े कार्टून मकसद है कि उस कार्टून तुस करगे ते
लोगों तक पुजा है तो उस कार्टून का इफेक्ट होगा बिल्कुल क्योंकि मेरे कुछ कार्टून से जो पिछले 4G का बड़ा चक्कर चला तो मैं कार्टून बनाइए फेसबुक या व्हाट्सएप या ट्विटर से पाई ओड़दा हाँ उस समय मैं दिखता कि साढ़े जोड़े पॉलिटिशियन या अपोजिशन चल वो मेरे कार्टून की कैरी करते हैं तो वह उत्थे पा दे लेकिन लोग आखते हैं वो तेरा कार्टून उन्हें पाया चलो मैं पाया मेरा अपना सपोज क्रिएटिविटी इस्तेमाल हुई ना लोगों के गलत पुजी ना मतलब अपनी प्रमोशन तो होगी फ्री प्रमोशन हूँ देखो ना मेरा कार्टून कोई आखता तेरे कैरी कोई कॉपी करा करो ना हाँ बिल्कुल कदम ऐसा होया तुम्हें कहें कि भाई कोई पॉलिटिशियन का तुम्हें बनाया हुआ कार्टून उसी बड़ा गुस्सा आया हुआ तो उन्होंने कुछ को फोन कराई आख्या कि डिलीट कर एक बार थोड़े होया ये गुस्सा के आना कि मेरे कार्टून मीते कोई 3 बारी अखबारों चा कढ़िया गया अच्छा एक बारी तो इन्हें आख्या ये शेखर है ना निकालो इसको ये मेरे को दिखना नहीं चाहिए अच्छा। इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया मेरे तो सुना ना मैं होया के है अंदरों की खुशी इसलिए हुआ ना के हा कि तो मैं एक फाइनेंस मिनिस्टर पर मैं सुनानी नहीं अखबार केड़ी ही फाइनेंस मिनिस्टर पर उनके कार्टून बनाया हा तो मी नहीं पता फाइनेंस मिनिस्टर उसी अखबार की सपोर्ट भी वो करते हैं अच्छा। तो वो सेकंड डे उन्हें न्यूज़पेपर चू आई है पब्लिश हुई है चोर दी उन्हें एक्चुअली राती जल्दी तो उन्हें कार्टून छपी है जल्द दिखी है निकली है फिर उसके बाद तुम्हें पता कि फाइनेंस मिनिस्टर मेरे अगेंस्ट मेरे अखबार से कार्टून छपा था फिर उससे वो काफ़ी होया और बाद और भी कुछ मैं कुछ जो साढ़े कश्मीर के जो लीडर्स न उन्दे पर कार्टून बनाए थे उन्दे पर केस भी होए चीज़ा होंगे ये तो चलता रहा तुम्हें उपर ही कोई FIR दर्ज कि भाई फलाने कार्टूनिस्ट ने मेरे मेरे कार्टून बनाई उड़े इसी करो अंदर वाला आख्या हा कुछ ने लेकिन होई नहीं धमकियां फूकियां धमकियां खाली रोज का मिलता रहना नहीं वो तो दिखो जल्द कार्टून करने तो असें इस चीज़ का लेइए चलना ही पौना क्योंकि अस कोई करा थोड़े हैं कुछ चीज़ उपर हूँ थोड़ा मैं कैरिकेचर करा तुसें आखना मेरा कैरिकेचर के तुस जेल से उत्थे पा नहीं एक चीज अच्छा है खुशी होआ दी लेकिन कल की थोड़े अगेंस्ट कोई कैरिकेचर करा कार्टून्स करा फिर तुसें ऐसा हुआ है कि तुसें ही ऐसा लगदा कि साडे जम्मू कश्मीर दे पॉलिटिशियन च ओ क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने दा जेड़ा हुंदा ना एक नजरिया ओ नहीं है उंदे च देखो साडे जम्मू कश्मीर दा पॉलिटिशियन है जेड़ा मैं लगता नहीं है कोई भी पॉलिटिशियन है जेह्दे च मी लगता नहीं है कोई भी पॉलिटिक्स एह्दे च है कि नहीं है साढ़े कुछ भी नहीं है मतलब छड़ी करप्शन है कोई है कि नहीं बेशरम इन्ने लोग न कि मैं कार्टून अजकल करता ही नहीं क्योंकि अगले दिखो कुसे एक लफड़ मारे जा वो आखदा सॉरी या कुछ करता आखदा गलती होगी ते लेकिन वो इन्ने बेशरम होई दे कि हुण साढ़े कार्टून ने उन्हें कुछ कुछ किसी का फर्क नहीं पौंदा अच्छा करोना चला दा हा ते खरा टाइम पास होई होना घर बैठे बैठे पूरा दिन बेले बैठो बाहर दुकाना बंद बाजार बंद करचे ते करचे के ते खरा टाइम पास होई होना बनांदे बनांदे कैरिकेचर दे अरे मेरा कार्टून्स कने मेरी एक ऐसी एग्जीबिशन होई जड़ी शायद वर्ल्ड च फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन कीती मैं ओदा नाम दित्ता हा इन हाउस कार्टून एग्जीबिशन मैं रोज इन्ने कार्टून्स करदा हा इन्ने कार्टून्स करदा हा ते मेरे कार्टून्स कैरी होंदे हे रेड एफएम च रेड एफ एम वाले वो कैरी कर लेंगे हे आखिर वो भी ले जाते हैं मैं सारी ज्यादा दिता हाँ वो कार्टून जल्द काफ़ी सारे मेरे को ही है तो एक दिन मैं इं छत पर बैठे हाँ छत पर बैठे देखा तो वो अच्छा कपड़े रेड़े ना मैं हाँ बाहर तो निकल ही नहीं सकते तो मैं अपने कार्टूनस सारे रेड़े उ और मीडिया के आख्या कि मैं आप तुसें घर तो सदा नहीं है लेकिन मैं अपने ऑनलाइन एग्जीबिशन कराना इन हाउस वो इन्नी एप्रीशिएट हुई कि 7 कंट्रियों वो खबर पब्लिश हुई तो वो कार्टूनस इन्ना वायरल होया कि बड़े लोग आख्या कि बहुत अच्छा काम किया वो मी बड़ा ओदे कने कि वो मी अपने आप की क्योंकि एक आर्टिस्ट ही पता कि चाहिए उसी एप्रीशिएशन चाहिए एप्रीशिएशन बड़ी मिली जेड़ा साढ़े ना स्टूडियो चाहता अस उंदे कन्ने गेम खेलने होंगे तो अज मी भी मतमला आ रहा कि तुस साढ़े इत्थे आए तो मैं भी चाहगी तुंदे कन्ने गेम खेलगी एक मैं तुसें गी लफ्ज़ देगी तो तुसें जेड़ा तुंदे माइंड च सबने शा पहले जेड़ी चीज़ आग वो तुसें बोलनी है ठीक है तो पहला वर्ड मैं स्टार्ट करा पहला वर्ड मेरा है सगले दी रोटी इहदे बारे बोलना के करना के मतलब तुसें जियां मैं बोलना ना एक वर्ड मैं जियां बोलिया उन्हें सगले दी रोटी तुंदे माइंड च जेड़ा सबने शा पहले जेड़ा वर्ड आग ना तुसें वो बोलना कि भाई एक के वर्ड आया तुंदे माइंड च सगले दी रोटी हाय हाय उम्मीद है वो अपने अपने दाल दजराई पीली दाल अखबार
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਰ ਨੱਚਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਰਡ ਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹਾਂ ਵਰਡ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬੜੀ ਹੈ ਹੱਦ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਸਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰੇ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 2-3 ਇਅਰ 4-5 ਇਅਰਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅਸ ਨੌਕਰੀ 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 ਕੀ अपने मिली आना जॉब मिली आनी अच्छी मिली आनी जल्द जॉब मिली तुम आखना मैं नौकरी नहीं करनी है मैं और ज्यादा कुछ और कुछ करो ना कुछ करो बिल्कुल बेले नहीं बिल्कुल बैठो कुछ किश ना किश करते रहो एक और सवाल मैं तुसें की पुछगी कि कोरोना चला दा हा बथेरे लोकें जियां तुस कार्टून घर बैठी बनांदे बथेरे यंग जेहड़े यंग जनरेशन है उन्हें कीता कि भाई घर किश ना किश क्रिएटिव करना शुरू करी ओड़िया कुसे ने पेंटिंग बनाना शुरू करी ओड़ी कुसे ने कार्टून के करना शुरू करी ओड़े मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई कीता कि चलो मेरे भी कुछ मैं भी करा तो इं बथेरे सारे यंगस्टर्स ने उन्हें की आखना चाहिए कि भाई के टिप्स देना चाहिए देखो यंगस्टर्स वास्तव में सारे ऐसे एक चीज में जरूर आखना एक चीज मेरा वर्ड है दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन जी देखो साड़ी इंडिया च असें रुट्टी की कमी नहीं है पैसे की कमी नहीं है कुसै चीज़ की कमी नहीं है साड़ी इंडिया च सारे लोगों की कमी है डिसिप्लिन की डिसिप्लिन क्या है डिसिप्लिन थोड़ा बोलने का डिसिप्लिन थोड़ा पानी पीने का डिसिप्लिन थोड़ा खाना खाने का डिसिप्लिन थोड़ा चलने का हर चीज़ जल्द तुम डिसिप्लिन करगे ना खासकर साड़ा यूथ आने वाला डिसिप्लिन करने रोक ना की है मैं दिखना कई बार स्ट्राइक होआ दी पंगे होआ दे ये होआ दे इन्नी बदतमीजी उन्दे गल करने की तमीज नहीं है कुछ नहीं है बस इनडिसिप्लिन वे करने चलाने ना मैं तुसें आखना कि साढ़े यूथ आस्तै अस कोई भी काम करो डिसिप्लिन वे करने करो डेफिनेटली अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज मैं कल सनी देओल जी का एक इंटरव्यू सुना रहा हाँ मी बड़ा अच्छा लग्या आखदे मैं पार्टीज इसलिए नहीं जाता ना मैं ड्रिंक करता ना मैं कुछ करता मैं बहुत अच्छी गल है बस पूरी रात सवेरे 4 बजे तक मोबाइल बैठे रहने सवेरे उठ रहे नहीं अनडिसिप्लिन साढ़े यूथ खराब होआ दा वो आ दा के है नशा नशा किसी होआ दा तुसें पता नहीं चला करना की है अस आखने कुछ करना कुछ करना कुछ अरे चलो तो सही कुछ करो तो सही कुछ करो सही इस चीज़ आस मी बहुत बड़ा अफसोस होंदा कि कई बार मैं देखना यूथ मी पहले पता नहीं हा लेकिन हून पता चला कि नशाखोरी च किन्ना ज्यादा है डिसिप्लिन दी तुसें गल कीती ते अगर दिखने च हून जेड़ा किश दिखेंगे डीडीसी दी इलेक्शन हो रही दिखने च थोआ दा कि डिसिप्लिन नेता लोके च भी नहीं है जेड़े लीडर आदे डीडीसी दे इलेक्शन दे कैंडिडेट थोआ दे उंदे च भी कोई डिसिप्लिन नहीं है वो भी कुसे दी मां भैन पुना दे कुसे की कुछ आखा दे जनानी की गाला कड्डा दे इहदे बारे की आखना चाहुंदे इयो तो रीजन है जेहदे कारण अस राइज नहीं करी पाणे अस अदू तक सारा इंडिया राइज नहीं कर सकता जब तक अस डिसिप्लिन नहीं होगा मैं तुसें सनाना तुसें अगर पानी की भी डिसिप्लिन करने पीता जाग ना वो भी एक अच्छा डाइजेस्ट होता पानी भी सुकुट ले जा और इंजे करी पीता वो कदे भी तुसें डाइजेस्ट नहीं होगा खा रुट्टी भी खागे ना वो भी डाइजेस्ट नहीं होगा मुँह चा थोड़ी जुबान अगर थोड़े गल गल करा दे वो डिसिप्लिन करने करके वो भी तुसें रिएक्ट करे ये तो गल करा दे ऐसे लोग ये मैं नहीं आखना लेकिन मैं यूथ सासे पॉलिटिशियन है तो छोड़ देना छोड़ ही गया तुम गल छोड़ो तुम मेरे को नहीं हो सकता अच्छा शेखर जी जड़े कि एक्टर भी हैं गाना भी बड़ा खरा गांदे ने ते मैं चाहगी कि तुस डोगरी च एक गाना जड़ा जरूर सुनाओ ये बड़ा मजा पता क्यों जेले कुसे गाना गाने आको गला खराब है वो पता किसी आवे वो बेसिकली गला बहाना की होता गला होता ठीक होता तो तामी दा दसे कि आज मेरा बड़ा गला खराब है ताक दे मी पता कि ये ताक दे गला खराब है ताकि बाद च अगर मेरी कोई गड़बड़ हो जाए तो कवर अप हो जाए मैं तो बड़ा मेरा मेरा गला भी खराब नहीं है तो मैं सिंगर जिन्ना आएगा उन्ना गा सकना तुस गाओ ते ओ है डोगरी गल चला दी डोगरे च एक गीत बड़ा अच्छा लगा जेहड़ा मी कई बारी खासकर जेहड़े बाहर दे लोग आंदे हे मेरा चेन्नई च हा ते उत्थे उन्हें मी गीत हाँ मेरी गल की हुई ही मैं तुसें सनां मी बाल ठाकरे जी कोला एक बारी उत्थे बॉम्बे च अवार्ड लै दा हा अवार्ड लैंदे लैंदे ते उत्थे बड़ा अच्छा कल्चर के हा कि ओह ना मराठी च गल करदे मराठी च गल करदे हे ते ओह मराठी च गै उन्हें सद्या सिर्फ ओहदा नाम मेरा लिया ते मैं गै अग्गे गया ते ओहदे बाद मिस्टर शेखर उन्हें ओहदे च बोलिया विल यू से समथिंग मैं सारे लोगों ही बड़ा धन्यवाद करना कि तुसें मी अपने इत्थे महाराष्ट्र सद्या मैं तुसें सारे लोगों सादा दिना कि साढ़े तुस जम्मू आओ साढ़े डुग्गर प्रदेश च आओ
माता वैष्णो देवी के दर्शन करो, जय माता दी, बड़ा बड़ा शुक्रिया। वो लोग देख कि करा रहे राज ठाकरे, बहुत अच्छा है, क्या क्या बोला आपने, मैंने आपको इनवाइट किया माता वैष्णो देवी। फिर मैं उत्थे एक ही गाया हाँ, मैं हस डोगरे आखने आशाने कने, हस डोगरे आखने आशाने कने, अस जीतियां ने जंगा कमसाने कने, अस डोगरे आखने आशाने कने। ये मैं पैरा इसलिए बोलना चाहना जो उत्थे मैं बोलिया हाँ, वैष्णो है माता साड़ी पहाड़े च रौंदी है, वैष्णो है माता साड़ी पहाड़े च रौंदी है, कंजक पंजोने ताई खल टली आउंदी है, अस प्रौने गी रखने माने कने, अस जीतियां ने जंगा कमसाने कने, अस डोगरियां आखने आशाने कने। बिल्कुल, ते जियां कि मैं तुसेंगी पूरा इंटरव्यू दसी उड़िया, हुण मैं भी दसगी कि भाई इन्हें जेहड़े कार्टून बनाए दे ने, जेहड़े कैरिकेचर इन्हें बनाए दे ने, जेहड़ी इलस्ट्रेशन इन्हें दसी दियां ने, इंदी एक एक जेहड़ा ड्राइंग बुक भी है, स्केच बुक जिसी अस आखने हुंदे आ, वह भी मार्केट च अवेलेबल है, तो मैं जरूर चाहगी कि तुस वह भी दिखो। मेरी मार्केट स्केच बुक में पब्लिसिटी करने नहीं आया, लेकिन बच्चे ने ऐसा उसके लिए जरूरी है, साहित्य संगम की जो स्केच बुक है उस में बच्चे ना अपनी हैरीटेज के बारे च, अपने कल्चर के बारे च, अपने ट्रैफिक सिस्टम के बारे च, या ट्रैफिक रूल्स के बारे में डिसिप्लिन की गल करा, अस अगर डिसिप्लिन कहीं गड्डी चलाचे ना सारा कुछ नहीं होना, तो वो सारे डिसिप्लिन दस दिन ताकि बच्चे उसी कैरी कर सकन, उसी बनान, तो अपनी लाइफ कुछ अच्छा कर सकन। बिल्कुल, तो तुसे सुनी लिया कि भाई के आखना हा शेखर हुंदा, ते बड़ा शैल कार्टून इन्हें बनाए, ते मैं परतियै तुंदी मलाटी कोई ऐसे के आर्टिस्ट कन्नै करागी, मिगी देओ फिलहाल इजाजत।